नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। वर्ल्ड कप में मच गया घमासान। सुपर 8 के लिए तैयार है 7 कप्तान। जी हाँ, 7 कप्तान पूरे के पूरे रेडी हो चुके हैं सुपर 8 के लिए। एक सिर्फ वो टीम बची है, वहां पर आता है होना कि कौन सी टीम होगी, क्या वो नेदरलैंड होगी या बांग्लादेश होगी। इसका फैसला आपको 24 घंटे में मिल जाएगा कि नेपाल किस तरह से प्रदर्शन करता है बांग्लादेश के खिलाफ। क्या वो नेपाल हराता है बांग्लादेश को, और अगर हराता है तो नेदरलैंड क्वालिफाई शायद कर जाएगा, और अगर नेपाल हारता है तो बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगा। फिलहाल अब बात करते हैं हम टीम इंडिया की, क्योंकि सुपर 8 स्टार्ट हो चुकी है, हम सभी को पता है। और सुपर 8 में टीम इंडिया को कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे फाइनल जाने के लिए यहां से। तो सुपर 8 की जब हम बात करेंगे तो टीम इंडिया के लिए यहां पर आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी तो छोटी छोटी टीमें थी। हालांकि अब एक वेन्यू अलग मिलेगा, पिच अलग मिलेगी, वेस्ट इंडीज जाएगी टीम इंडिया, लेकिन उससे पहले कितने मैचेस जीतने होंगे। अब सुपर 8 में हम सभी को पता है टीम इंडिया 3 मैचेस खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया भी उनके सामने होगी, अफगानिस्तान भी उनके सामने होगी, एक छोटी टीम आप मान सकते हैं नेदरलैंड या बांग्लादेश। तो मतलब टीम इंडिया की राह आसान तो यहाँ पर भी है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा ओपोनेंट होगा। तो यहाँ पर टीम इंडिया को 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, यानी अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाए, नेदरलैंड बांग्लादेश जो भी क्वालिफाई करता है उसको हरा दे और अफगानिस्तान को हरा दे ठीक ठाक मार्जिन से, तो टीम इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा उसके बाद सेमीफाइनल के लिए। और फिर सेमीफाइनल एक मैच यानी 3 मैच ये हो गए, और जब फाइनल आएगा वो होगा सबसे बड़ा मैच और चौथा मैच, यानी टीम इंडिया को यहाँ से 4 मैचेस जीतने हैं। और रहा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सुपर 8 में तो आपको आसान टीमें मिल रही हैं, आपको सेमीफाइनल और फाइनल यहाँ पर ही नज़र रखनी है। यहाँ पर उस मानसिकता से आना है कि यहाँ पर जीत दर्ज करनी है, और अगर टीम इंडिया उन 2 मैचों में अच्छा कर ले जाती है तो टीम इंडिया के पास ट्रॉफी होगी। लेकिन क्या कर पाएगी, बड़ा सवाल ये रहेगा अपने आप में। लेकिन फिलहाल से यहाँ से बात करें सुपर 8 से, तो टीम इंडिया को 4 मैचेस जीतने हैं वर्ल्ड कप के लिए। अब क्या वो पहले 2 मैच जीतकर तीसरा मैच हारेगी और फिर 2 मैच जीतेगी, या फिर 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल और फाइनल भी जीतेगी, बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल T20 वर्ल्ड कप जैसे जैसे अपने चरम पर जा रहा है, इसका रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया कर पाएगी सेमीफाइनल में क्वालिफाई, और क्या उसके बाद उठा पाएगी ट्रॉफी फाइनल में हरा के किसी को, या फिर टीम इंडिया के पास फिर से वो हार्ट ब्रेक आने वाला है, वो फैंस को हार्ट ब्रेक मिलने वाला है। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।